जय हिंद। खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट जीके के बारे में। पहली लाइन आप देख सकते हैं पेंगोंग सो लेक के बारे में है। ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। पेंगोंग सो लेक इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है। इसको विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको थर्ड पोल भी कहते हैं दुनिया का, यानी तीसरा ध्रुव। पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, एक नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल। थर्ड पोल जो है वो सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है। नेक्स्ट, 2021 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना है। पहली जनगणना आपको पता होगा 1872 में की गई थी, और उसके बाद 1881 में नियमित जनगणना, यानी हर 10 साल के बाद जनगणना की जाएगी, तो वो 1881 से शुरू हुआ था। 2021 की जो जनगणना है वो 16वीं सेंसस है भारत की, 2000 सेंसस इज 16th, और ये डिजिटल सेंसस है, इसको डिजिटल तरीके से लिया जाएगा। भारत में जनगणना का जो काम है वो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम बनाया गया है रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त। ये 1949 में बनाया गया था, तब से लेके जनगणना का कार्य इसी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप BRO के नाम से जानते हैं, उसने एक सबसे ऊंची रोड बनाई है, मोटरेबल। मोटरेबल यानी जहां पे गाड़ियां चल सकती हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची 52 किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण किया गया है। इसको मोटरेबल रोड बोलते हैं। ईस्टर्न लद्दाख में ये बनाई गई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। और सीमावर्ती जो क्षेत्र है, यानी बॉर्डर पे जितने भी क्षेत्र है वहाँ पर रोड बनाने का कार्य जो है वो BRO का है। भारत के बाकी जो क्षेत्र है उस पर या तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या PWD जो है वो रोड बनाने का काम करती है। BRO केवल बॉर्डर क्षेत्र के जो रोड है उनको बनाती है। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी एक ऐप लॉन्च की है, ये आप हिंदी में देखें पहले। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नालसा नाम से एक ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। ये जो ऐप है ये गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने और पीड़ितों को मुआवजे की मांग करने के लिए बनाई गई है। संविधान के अनुच्छेद 39A में दिया गया है कि सरकार को जो है, सरकार की ड्यूटी है कि जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में न्याय या कानूनी सहायता प्रदान की जाए। अब मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूं। नालसा ऐप है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये ऐप लॉन्च की गई है, इट इज लॉन्च्ड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर पुअर पीपल टू गेट फ्री लीगल एड एंड विक्टिम कंपनसेशन। आर्टिकल 39A में दिया गया है कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, इट इज ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है 127वें संशोधन के तहत, और इसमें राज्यों को शक्ति दी गई है कि वो अपनी OBC लिस्ट बना सकते हैं, है ना। तो आप यहां हिंदी में पढ़ सकते हैं, संसद ने राज्यों की शक्ति को बहाल किया है। किससे संबंधित? OBC लिस्ट। राज्य अपनी OBC लिस्ट बना सकते हैं, और ये 127वें संशोधन के द्वारा पारित किया गया है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि 127वां संशोधन किससे संबंधित है, तो राज्यों को OBC लिस्ट बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को, करीब 800 भारतीय थे जिनको निकाल के लाए हैं, उस ऑपरेशन को बोलते हैं देवी शक्ति। आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, ऑपरेशन देवी शक्ति वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट 800 पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, इस नाम से अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो उसका नाम था देवी शक्ति। अब पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान, उसने एक मिसाइल लॉन्च की है जिसका नाम है गजनवी। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हो, ये न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और नाम है गजनवी। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता कि गजनवी मिसाइल किस देश ने टेस्ट फायर किया, किसने उसको लॉन्च किया है, तो पाकिस्तान ने। इजराइल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मित्र देश है हमारा, इजराइल ने एरो टू बैलिस्टिक एरो, ये एरो है, एरो का मतलब धनुष बाण, सॉरी, बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो एरो टू मिसाइल किस देश की है अगर ऐसे पूछा जाए तो ये इजराइल से संबंधित है। फिर नेक्स्ट 10 नंबर पॉइंट है, पंकज शरण को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है, है ना, पंकज चरण को बनाया गया है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। आपने अभी तक एनएसए के बारे में सुना होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिस्टर अजीत डोभाल है, पूर्व आईपीएस है डोभाल, उनका एक डिप्टी भी है, डिप्टी यानी उनके उप है, उनके नीचे जो है उनका नाम है पंकज शरण। तमिलनाडु सरकार ने कृषि के लिए अलग बजट पेश किया है, तो तमिलनाडु पहला स्टेट है उसने सेपरेट बजट पारित किया है, किसके लिए, एग्रीकल्चर। तो ये ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि विच स्टेट गिव सेपरेट बजट फॉर एग्रीकल्चर, तो आपका आंसर आएगा उसमें तमिलनाडु। नेक्स्ट है 2021 का अशोक चक्र। अशोक चक्र एक वीरता का पुरस्कार है और शांति काल में यह सबसे बड़ा पुरस्कार है वीरता के लिए। यह दिया गया है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर श्री बाबू कुमार को, उप निरीक्षक बाबू कुमार को 2021 में अशोक चक्र प्रदान किया गया। युद्ध काल में यानी जब वार है किसी देश के साथ तो परमवीर चक्र जो है सबसे वीरता का पुरस्कार है परमवीर चक्र, और जब शांति काल होगी तो अशोक चक्र जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है वीरता के लिए। नेक्स्ट 13 नंबर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल जो है वो कैदियों की क्षमा, कैदियों की जो सजा होती है उसको क्षमादान कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंच क्लेरिफाइज दैट गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन पार्डन प्रिजनर्स अंडर आर्टिकल 161। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि सजा माफी का जो प्रावधान है वो केवल राष्ट्रपति के लिए है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है अभी कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्य का जो राज्यपाल है वो भी कैदियों की सजा माफ कर सकता है, उसको भी ये पावर दी गई है। अगला है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एटीसी, एयर एटीसी होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, यहां पे आप देख सकते हो टावर बनाया है। तो पूछे कि सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहां पे लगाया गया है, तो लद्दाख में है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोबाइल एटीसी, और ये मोबाइल एटीसी है मतलब फिक्स नहीं है कहां पर है, लद्दाख में, किसके द्वारा लगाया गया है, तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। नेक्स्ट पहले हिंदी में दिखा देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 थिएटर कमांड बनाने की घोषणा की है, जो पूर्व में ईस्ट में होगी, वेस्ट एक इंटीग्रेटेड मैरीटाइम थिएटर कमांड, और जो फोर्थ है वो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस थिएटर कमांड होगी। ये सभी कमांड 2023 तक कार्यरत हो जाएंगी। अब मैं आपको इसको इंग्लिश में दिखा देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस टू क्रिएट 4 थिएटर कमांड। अभी तक हमने पढ़ा था कि भारत में थल सेना की अलग कमान है, वायुसेना की अलग कमान है और नौसेना की अलग कमान है, अब ये इंटीग्रेटेड तीनों को मिला के थिएटर कमांड बनाई गई है, जो कि एक ईस्ट के लिए होगी, एक वेस्ट, एक मैरीटाइम, मैरीटाइम यानी समुद्री
सीमा के लिए, और एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस यानी हवा से अगर कोई हमला होगा उससे निपटने के लिए बनाई गई है, और ये 2023 तक जो है फंक्शनल हो जाएंगी, ऑपरेशनल हो जाएंगी। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल, भारतीय सशस्त्र बलों ने अगस्त 2021 में टेबल टॉप वॉर गेम एक्सरसाइज की आयोजन किया, तो इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो है एक वार गेम किया है वो टेबल टॉप है। टेबल टॉप यानी एक आप रूम में बैठ के या किसी ऐसे क्लोज एरिया में बैठ के टेबल के ऊपर आप युद्ध से संबंधित जो वार गेम है उसका उसको कंडक्ट किया है अगस्त 2021 में। नेक्स्ट 17 नंबर है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, स्वदेशी मतलब भारत ने खुद बनाया है इसको, नाम है INS विक्रांत, ये 2021 में परीक्षण के लिए यानी ट्रायल के लिए समुद्र में उतार दिया गया है। इस शिप का जो निर्माण है वो कोचिन शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। भारत के पास इससे पहले एक विमान वाहक पोत और भी है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य, और ये हमने रूस से खरीदा था 2013 में, तो अभी भारत के पास टोटल दो हो जाएंगे। और ये INS विक्रांत जो है ये इंडिजीनियस है यानी ये भारत ने खुद डेवलप किया है, इंडिया द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। अभी ये सी ट्रायल पे है और जल्दी ही इसको कमीशन किया जाएगा, कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त जो कि विभाजन का दिवस है या पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी कह सकते हैं इसको हम, उसको विभाजन ब्यावह स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया, यानी इसको अभी मनाया जाएगा पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, इस नाम से इसको मनाया जाएगा। नेक्स्ट 12th का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है और ये चमोली में बनाया है, चमोली है उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इंडियाज हाईएस्ट हर्बल पार्क हैज बीन इनोग्रेटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट 20, भारत ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी, अगस्त 2021 में लॉन्च की गई है, और इसका जो एम है वो है वेस्ट टू वेल्थ, यानी वेस्ट को वेल्थ में बदलना, धन में बदलना। अंडर दिस स्कीम ओल्डर व्हीकल्स विल बी रिप्लेस्ड विद न्यू वंस, यानी कि जो पुराने व्हीकल हैं उनको नए में तब्दील कर सकते हैं आप, और उसके लिए इंसेंटिव विल बी प्रोवाइडेड, यानी आपका अगर गाड़ी आपके पास कोई है वो 15 साल से या उससे ज़्यादा पुरानी है तो आप इस स्कीम के तहत वो सरकार में वापस जमा करा सकते हैं, और उसके लिए आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला गया है कि रोड टैक्स में छूट दी जाए 25% तक जो है पर्सनल व्हीकल पर और 15% जो है वो कमर्शियल व्हीकल पर, ताकि इस स्कीम को लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना सकें। आप यहाँ हिंदी में देख सकते हैं, राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति 2021 में एम है वेस्ट टू वेल्थ, योजना के तहत पुराने वाहनों को बदलने के लिए छूट दी गई है, और स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि रोड टैक्स में छूट दी जाए। आज का आखिरी पॉइंट ये हम बात करेंगे, 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था अभी 15 अगस्त के दिन 2021, इसमें जो मेन घोषणा की गई है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले से, वो मेन पॉइंट ऐसे हैं, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 100 लाख करोड़ यानी 100 लाख करोड़ एलोकेट किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, 75 वंदे भारत ट्रेन्स विल बी स्टार्टेड, नई ट्रेनें चली जाएंगी वंदे भारत के नाम से, एक राइस आएगा जिसको 45 राइस कहेंगे, गरीब लोगों के लिए PDS सिस्टम यानी ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है या मिड डे मील जो है या कोई दूसरा प्रोग्राम है उसमें दिया जाएगा माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए, 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे ये भी अनाउंसमेंट की गई है, साथ ही साथ लड़कियों को भी सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए परमिशन दी गई है।
एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी भारत स्टार्ट करेगा ताकि भारत को हाइड्रोजन उत्पादन में ग्लोबल हब बनाया जा सके। हाइड्रोजन आपको पता हो एक क्लीन फ्यूल है, यानी ये कोई पोल्यूशन नहीं करता है। और एक इंडस सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी लद्दाख में। अब मैं आपको ये हिंदी में भी दिखा देता हूँ सारे के सारे पॉइंट। प्रधानमंत्री ने गति शक्ति मिशन लॉन्च किया है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत किया जाएगा। 16 करोड़ रुपए उसमें निवेश किए जाएंगे। 75 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। PDS यानी जो कोटा सिस्टम है या मिड डे मील जो सिस्टम है उसमें 45 राइस भी उपलब्ध कराए जाएंगे। लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल खोल दिए गए हैं। और स्वच्छ ईंधन जो है हाइड्रोजन के रूप में भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने के लिए निश्चय किया गया है। लद्दाख में एक इंडस सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। अगर पूछा जाए कि इंडस सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, तो वो लद्दाख में बनाई जाएगी भारत सरकार द्वारा। तो ये दोस्तों मेन मेन पॉइंट्स हैं इस वीडियो से संबंधित। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट डाल सकते हैं, या ये मोबाइल नंबर पे जो आप हैं इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों खुंगा अकेडमी भारतीय सेना में जो सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर टेक्निकल और ट्रेड्समैन की जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है उसकी तैयारी कराती है। तो अगर आप फिजिकल पास कर लेते हैं तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। इस से संबंधित जो ये PDF है ये भी मैं इस वीडियो के साथ लगा दूंगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।